नमस्कार, मैं हर्षवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लगेंगे 10,000 छोटे उद्योग, महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। निकाय चुनाव में 19 में से 9 सीटों पर महिलाओं का रहेगा दबदबा। 75 लाख के सवाल पर रजनी ने छोड़ा शो। इन जिलों में जमीन के सर्वे का काम हुआ शुरू। 71वां शतक लगाने के बाद विराट ने फैंस को कहा धन्यवाद। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में लगेंगे 10,000 छोटे उद्योग, महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। बिहार में उद्योग के विकास को लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बीते उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि पहले चरण में 10,000 छोटे उद्योग बिहार में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, उद्योग स्थापित करने में 3,500 महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल बीते दिन उद्योग मंत्री राजपुर में उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित कोसी का मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में 10,000 छोटे उद्योग स्थापित होने के बाद बिहार की सूरत बदल जाएगी, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उद्योग से दिव्यांगों को जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा। साथ ही बिहार को विकसित करने की राह में बिहार में उत्पादित सामान की खरीद करने के लिए लोगों को कहा गया है। निकाय चुनाव में 19 में से 9 सीटों पर महिलाओं का रहेगा दबदबा। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर नगर पालिका चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आरक्षण कैटेगरी जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 19 नगर पालिकाओं में से 9 में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक आरा, कटिहार, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम के लिए महिला आरक्षित राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। आयोग के अनुसार पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा। 75 लाख के सवाल पर रजनी ने छोड़ा शो। बिहार के आरा जिले की रहने वाली बेटी और बहू रजनी मिश्रा टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में गुरुवार के शो में दिखी। हॉट सीट पर बैठकर कार्यक्रम के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने 50 लाख तक के सवालों का जवाब दिया। 75 लाख के सवाल पर उन्होंने शो छोड़ दिया। वह सवाल था, किस शहर की लेबोरेटरी में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? सही जवाब उन्हें नहीं पता था। उन्होंने लाइफ लाइन ली, लेकिन सही जवाब कोपनहेगन नहीं ढूंढ सकी और 50 लाख रुपए लेकर गेम छोड़ने का निर्णय लिया। इस बार गांधी मैदान में जलेगा 70 फीट ऊंचा रावण। नवरात्रि के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष रह गया है। ऐसे में राज्यभर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं राज्यभर मशहूर पटना के गांधी मैदान का रावण दहन को इस बार और भी खास और यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खास होगा। पुतले को पहनाने के लिए वस्त्र राजस्थान और दक्षिण के राज्यों से मंगाया जाएगा। दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल नेपानी के मुताबिक इस बार 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए पटना और गया के कारीगर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार पुतले के लिए राजस्थान और दक्षिण के राज्यों से वस्त्र मंगाए जाएंगे। रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले दक्षिण भारत के वस्त्रों में दिखेंगे। आज से इन स्टेशनों पर रुकेगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। पितृपक्ष मेला में संभावित भीड़ का आकलन करते हुए पूर्व मध्य रेल ने आज से 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया है। आपको बता दें कि आज से गया और पुनपुन में शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने पटना गया रेलखंड पर 9 सितंबर से 25 सितंबर तक पुनपुन घाट हॉल्ट स्टेशन पर 8 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें रोकने का फैसला लिया है। यहां सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव 2-2 मिनट का होगा। वहीं अनुग्रह नारायण घाट पर भी 5 जोड़ी सवारी गाड़ियों का अस्थायी ठहराव होगा। यहां भी सभी ट्रेनें 2 मिनट के लिए रुकेंगी। इन ट्रेनों में पूर्णिया कोच एक्सप्रेस, इस्लामपुर एक्सप्रेस, पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, पटना पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली एक्सप्रेस, पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना गंगा दामोदर, राजगीर बुद्ध पूर्णिमा, गया मेमू पैसेंजर स्पेशल, धनबाद इंटरसिटी पैसेंजर और आसनसोल मेमू एक्सप्रेस शामिल है। आनी में यूरेनियम जांच के लिए मशीन खरीद के लिए टेंडर हुआ रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना के तहत राज्य के अधिकतर जिलों तक घरों में जल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यह जल कितना शुद्ध है इसको लेकर आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की नियमित तो जांच होती है। इसी जाँच में कुछ एक जगहों पर पानी में यूरेनियम मिलने की बात सामने आई है।
इसके बाद पीएचईडी ने जांच मशीन के लिए टेंडर किया, लेकिन टेंडर में एक भी एजेंसी के नहीं आने के बाद इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। हालांकि विभाग ने दोबारा जांच मशीन के लिए टेंडर किया है, साथ ही राज्य में जांच के दौरान जहां भी पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक रहेगी उसके बाद उस जल स्रोत को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कंट्रोल सेंटर का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। पटना में चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में 2500 अत्याधुनिक कैमरों का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। इससे विधि व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक प्रबंधन में सहूलियत मिलेगी। बता दें कि बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ इंटीग्रेट कर पूर्व से लगे कैमरों को फीड की मॉनिटरी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही शहर भर में कचरा उठाए एवं पटना नगर निगम की सभी ई गवर्नेंस सेवाओं को भी डाटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इन जिलों में जमीन के सर्वे का काम हुआ शुरू। बिहार के कुल 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 20 जिलों का जमीन सर्वे हो चुका है, वहीं अब कुल 18 जिलों में जमीन के सर्वे का काम शुरू हो गया है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जमीन सर्वे आप जमीन के खतियान या जमीन के केवाला से जमीन सर्वे करवा सकते हैं। वहीं अगर जमीन के मालिक जीवित नहीं है तो आपको वंशावली बनानी पड़ेगी और सर्वे शिविर में जमा कराना होगा। आप चाहें तो जमीन का सर्वे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि जिन जिलों में जमीन के सर्वे का काम शुरू हुआ है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, गया, भागलपुर, दरभंगा, सारण, औरंगाबाद, वैशाली, सिवान, भोजपुर, रोहतास, नवादा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कैमूर, समस्तीपुर और गोपालगंज जिला शामिल है। प्रदेश में अगले 2 दिन होगी छिटपुट बारिश। प्रदेश में मेहरबान मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बिहार में अगले 2 दिन बारिश की छिटपुट स्थिति रहेगी। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से परेशानी हो सकती है। वहीं 2 दिनों के बाद राज्य में झमाझम बारिश के आसार हैं। हालांकि बीते दिन हुई बारिश की वजह से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है और मौसम अच्छा हो गया है। आज निकली धूप में तपिश का एहसास नहीं हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अभी मानसून ट्रफ जैसलमेर, भोपाल, गोंदिया, कलिंगापट्टनम होते हुए पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इनके प्रभाव से राज्य भर में आंशिक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भाजपा का दावा, तेजस्वी अब चाहे बन सकते हैं सीएम। भाजपा का दावा, तेजस्वी जब चाहे बन सकते हैं सीएम। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ विपक्ष की ही राजनीति करेंगे। उन्होंने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार को लगता है कि 2024 में मेन फ्रंट में आ सकते हैं, लेकिन भाजपा अब नीतीश कुमार को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। यह भी दावा किया है कि स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव जब चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। डॉक्टर जायसवाल ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अपने विपक्षी दलों को हल्का करने का भी काम करते हैं ताकि भविष्य में संभावना बची रहे। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा होगा। तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी साथ होंगी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में कई दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान विपक्षी नेताओं से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं लालू यादव का एम्स में इलाज चल रहा है, ऐसे में लालू यादव रूटीन चेकअप के लिए एम्स जा सकते हैं। नीतीश कुमार को मिला ममता बनर्जी का साथ। भाजपा वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षों को एकजुट करने के लिए निकले नीतीश कुमार को बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का साथ देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और कई अन्य लोग साथ आएंगे और बीजेपी को हराएंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीते दिन तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उक्त बातें बंगाल की मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से खेला होबे का नारा बुलंद किया है। सोनिया गांधी के विदेश से लौटते ही दिल्ली मिलने जाएंगे नीतीश कुमार। विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर गए नीतीश कुमार कई विपक्षी दलों से मिले और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की अपील की। हालांकि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नहीं मिल पाए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कहा कि सोनिया गांधी जब विदेश से वापस लौटेंगी तब वह उनसे मिलने दिल्ली जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनसे फोन पर बात हुई है, आगे जब बातचीत होगी तो उनसे मिलने जाएंगे।
एक खतरनाक शतक लगाने के बाद विराट ने फैंस को कहा धन्यवाद। भारत एशिया कप 2022 भले ही नहीं जीती हो, लेकिन विराट को वापस फॉर्म में पाकर भारतीय फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अपना शतक का सूखा समाप्त करने वाले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने प्रशंसकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। विराट ने बीते दिन एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच में अपना एक खतरनाक शतक पूरा किया। इस शतक की खासियत यह है कि यह कारनामा उन्होंने 1019 दिनों के इंतजार के बाद दोहराया। विराट ने अपना पिछला शतक नवंबर 2019 में लगाया था। बीते दिन अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए 61 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्कों और 200 की स्ट्राइक रेट की मदद से कुल 122 रन बनाए। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,093 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 86 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 112,660 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 134 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशबू कुमारी, पवन सिंह, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, अजीत कुमार, राम शंकर, जायसवाल, सरोज कुमार, अर्जुन देव मेहता, लक्ष्मी मेहता, इंद्रभूषण रवि, राकेश कुमार, मोहम्मद मासूम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अफगानिस्तान के खिलाफ विराट के शतकीय पारी के बाद आपको क्या लगता है, विराट कोहली वापस अपने फॉर्म में आ चुके हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।